उन्होंने 500 एक में पौधे से मुझे पत्र लिखा और कहा कि मैं 500 एक में पौधे से, उनकी वर्डिंग सुनिए जरा, उन्होंने कहा कि मैं 500 एक में पौधे से रोज रोपा जाऊं ऐसा मैं महसूस करना चाहता हूं और इसके लिए मैं हर दिन का जो पौधा है वो मैं दूं। तो उन्होंने उस दिन से हर, बोले मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित तो नहीं हो पाऊंगा लेकिन मेरा दिया हुआ पौधा लगेगा तो मेरे को लगेगा मैं ही वहाँ पर रोपा जा रहा हूँ। कि कोई भी चीज आपके जीवन काल में ही सफल हो इसका बहुत ज्यादा नहीं सोचना, नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो, अगर आपने ये ख्याल किया तो क्या होता है कि जीवन के अंतिम दिनों में जो उम्र का संभाल अभी तक आता है, मान लो मैं 70-80 का हो जाऊंगा तो मुझे लगेगा ये इनके इन प्रक्रिया ये मेरे जीवन काल में हासिल हो जाए ये उपलब्धि, इससे क्या होगा हम गलत रास्ते अपनाने लगते हैं। लेकिन यदि आप काम को करते हैं तो उसका बेटर बहुत से लोग नहीं लेते। बड़े बड़े अभियान दुनिया में जितनी बड़ी क्रांतियां असफल भी हुई है ना उसका एकमात्र कारण ये, एकमात्र तो नहीं लेकिन उसका ये कारण भी है कि लोगों ने ये चाहा है कि उन्हीं के जीवन के काल में उनकी ये क्रांति सफल हो, उसका रिजल्ट उनके जीवन काल में, और ऐसा सोचना मुझे लगता है उस क्रांति के प्रति आपराधिक व्यवहार है, कृत्य। मुझे, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत इसके खिलाफ हूँ। कोई काम अगर आपने शुरू किया तो आपके जीवन काल में क्या पूरा निरंतर चलता रहे, सृष्टि चलता रहेगा, उसमें अच्छाई को क्या रुक जाना चाहिए या आपके जीवन काल का इंतजार करना चाहिए, उसको फल का संतोष कभी शाश्वत नहीं होता। तो इसलिए आप तो काम करिएगा, क्योंकि एक जगह हमने 10 पौधे लगाए एक स्कूल में, 10 के 10 नष्ट हो गए, और एक जगह हमने 100 लगाए, 100 के 100 जिंदा है ना, तो फिर ये कंपेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अधिक और कम का जो आंकड़ा है तो ये कई बार दुख भी देता है, कई बार सुख भी देता है। इससे ऊपर जाइए आप अपना कर्म करिए और बहुत ईमानदारी से करिए। सबका जन्मदिन होता है, वो पौधा लगाता है तो उसको लगता है कि हमारा पौधा सुरक्षित रहना चाहिए, हमारी कोशिश पूरी रहती है उसका पौधा सुरक्षित रहे। कहीं किसी संस्था को इतने लंबे समय तक एक संकल्प के साथ बढ़ाना एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपकी प्रेरणा का, लेकिन इस प्रेरणा को फलीभूत करने के लिए जो आर्थिक प्रबंध होता है वह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका क्या व्यवसायिक आधार रहा है या आर्थिक आधार रहा है जिसकी वजह से ये संस्था चल रही है, या वर्तमान में जो इसके आर्थिक उपबंध हैं तो वो किस तरीके से इसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, इस बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, शुरुआत में तो मेरा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस था तो उससे थोड़ा बहुत मैं पैसा कमाता था और थोड़ा बहुत संस्था में लगाया, लेकिन बिल्कुल शुरुआती दौर था। उसके बाद से सभी लोग आगे आ गए, आप अच्छा काम करते रहिए, आप ईमानदार रहिए, लोगों में विश्वसनीयता पैदा करिए, लोग सहयोग करने आते हैं। तो दरअसल में ये संस्था कदम संस्था जो है वो सभी के सहयोग से चल रही है। आर्थिक रूप से तो बहुत ज़बरदस्त रूप से हमें लोग सहयोग करते हैं, हमें एक बस हमारे शरद बरसैया जी ने दी जिससे हमने 44,000 किलोमीटर की यात्रा करी, विश्वनाथ दुबे थे वो हमको सहयोग करते, ये नाम मैं गिना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है सभी लोग, फिर हमारे संरक्षक सदस्य बनते हैं, कैलाश गुप्ता जी हमारे मुख्य संरक्षक सदस्य हैं, इस तरह से हमारे बलदीप मैनी जी हैं जो बहुत सारे संरक्षक सदस्य बनाते हैं, कभी हमने गिनती करना बंद कर दिया, 100-125 से ज़्यादा संरक्षक सदस्य बना। तो सहयोग, आप अच्छा काम करिए आपको सहयोग निश्चित रूप से मिलता है, न सिर्फ आर्थिक मिलता है, मानसिक भी मिलता है, सारे मतलब लोग मन से भी जुड़ जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी उसमें ईमानदारी लोग देखना पसंद करते हैं। और जो व्यक्ति का जीवन होता है वो दो पहलुओं से चलता है, एक सामाजिक पहलू होता है, एक पारिवारिक पहलू होता है, और सामाजिक पहलू के अंतर्गत तो आपकी एक अच्छी पहचान हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको एक सहयोग मिल सकता है, लेकिन उससे प्रारंभ में आता है पारिवारिक पहलू। जब कोई सामाजिक कार्य करने की चेष्टा मनुष्य के द्वारा की जाती है तो सबसे पहले जो व्यवधान होता है कहीं ना कहीं, या जो सबसे बड़ी प्रेरणा होती है वो परिवार ही माना जाता है। तो आपने जैसे इस प्रकल्प को जब आगे बढ़ाया होगा तो आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया इस पर रही, लोगों परिवार वालों ने क्या कहा कि मतलब ये क्यों कर रहे हैं, इसका भविष्य में क्या लाभ होगा या हानि होगी, या आगे आपका जो व्यवसाय है वो किस तरीके से चलेगा, घर किस तरीके से चलेगा, तो क्या प्रारंभ के दिनों में क्या चीजें रही आप? बड़े कठिन प्रश्न आप पूछते थोड़ा सा दीर्घतरी प्रश्न है। नहीं, और जरूरी भी पता चलना चाहिए लोगों को। दरअसल जब मैंने शुरू किया तो तब मैंने विवाह नहीं किया था, विवाह का बहुत ख्याल मेरे दिमाग में कभी ज्यादा नहीं रहा, लेकिन बाद के वर्षों में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि मैंने विवाह किया, और मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा, उसको मैंने बताया कि भाई देखिए मैं संस्था तब तक शुरू हो चुकी थी,
तो मैं इस तरह से रहूंगा और आपका जीवन भी लगभग ऐसे ही चलने वाला है, बहुत कम में गुजारा करना होगा हम लोगों को। तो उनका बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिला मुझे इस मामले में कि बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा, जैसा रहेगा मैं आपके साथ, जैसे आप रहेंगे वैसे मैं रह लूँगी, तो वैसा ही रहा। और बहुत छोटा हमारा परिवार है, फिर मेरा बेटा ही है एक और वो भी 11 साल का है ना। हम लोग की ज़रूरतें बहुत कम हैं और बहुत कम में गुजारा हम लोग कर लेते हैं, हो जाता है। तो परिवार साथ देता है और आर्थिक भी बहुत ज़्यादा, मैं नहीं समझता कि अगर आप छोटा मोटा सामान्य जीवन जीते हैं तो बहुत ज्यादा अर्थ की जरूरत नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं जब एक माता पिता होते हैं, बच्चा होता है और उसका पालन पोषण करके उसको बड़ा करते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, फलने फूलने लगता है, कमाने लगता है, तो कहीं ना कहीं बहुत आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। जो आप पौधारोपण करते हैं, वृक्षों को लगाते हैं, वो बड़े होते होंगे, फलते फूलते होंगे, तब भी कहीं ना कहीं वो एक ऐसा ही अनुभव प्रतीत होगा। तो जब किसी पौधे को आप देखते हैं कि इसे हमने रोपा था और आज ये बड़ा विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका है, तब कैसा प्रतीत होता है? स्वाभाविक है, जैसे हम पौधे लगाते हैं तो बड़े दिखते हैं, तो हमारा लगाया हुआ है ऐसा सोच के खुश होना, मैं मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि मैं तो जितने बड़े वृक्ष होते हैं या नहीं होते उनको देख के भी खुश होता हूँ, किसी ने तो लगाए हुए हैं। तो हमें अपने देखिए इसमें हमेशा मैं मेरा जो जीवन है, मैं व्यक्तिगत जीवन के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने कभी भी सफलता और असफलता को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दिया, यानी मैंने खुशी या गम दोनों को किसी अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दिया। मैं सिर्फ कर्म पे यकीन करता रहा हूँ कि मुझे काम करना है, मैं काम करता हूँ, क्योंकि अगर मैं मेरे लहलाते पौधे देखो को खुश होऊंगा तो मेरे नष्ट पौधों को देखो मुझे दुख भी होगा, है ना। ये खुशी और दुख से थोड़ा सा ऊपर उठना होगा हम सब लोगों को, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मेरा मानना है ऐसा। तो इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई पल आपका दुख में नष्ट है, यदि हो गया आपका कोई एक पल भी नष्ट होता है तो वो समझ लीजिए फिर जीवन आपका मैं नहीं समझता कि बहुत ठीक है, संतुष्ट नहीं हो सकते। हाँ कभी नहीं, कभी नहीं, वो जैसे बोलते हैं ना कि साफल्य का संतोष कभी शाश्वत नहीं होता। तो इसलिए आप तो काम करिएगा, क्योंकि एक जगह हमने 10 पौधे लगाए एक स्कूल में, 10 के 10 नष्ट हो गए, और एक जगह हमने 100 लगाए, 100 के 100 जिंदा हैं, है ना। तो फिर ये कंपेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अधिक और कम का जो आंकड़ा है, तो ये कई बार दुख भी देता है, कई बार सुख भी देता है। इससे ऊपर जाइए आप अपना कर्म करिए और बहुत ईमानदारी से करिए, संभव समदर्शी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस। और इसके अतिरिक्त जो आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम मिला है, वृक्षारोपण के लिए ही मिला है, तो ये कब मिला था और कितने पौधे या क्या उनका आधार था इसको लेकर? मेरे ख्याल से 2009 में मिल गया था, तो उन लोगों ने देखा आगे कि किस तरह से लोग करते हैं, तो एक रिकॉर्ड है कि लगातार कर रहे हैं, सुबह ठीक 10 बजे होता है, पूरी सादगी के साथ होता है, निःशुल्क होता है और देख रेख की भी गुंजाइश होती है और सुरक्षित भी हैं इनके पौधे। तो तमाम चीज़ें देखते हुए उन्होंने देखा कि दुनिया में ऐसा कोई प्रयास नहीं हो रहा, जो अभी तो अब 19 साल हो गए कि ठीक 10 बजे होता है, जैसे आज भी 10 बजे लगा, किसी का इंतजार नहीं करते, अगर एक व्यक्ति भी रहेगा तो 10 बजे लगा देगा पौधा, इस वजह से उन्होंने ऐसा उसको रिकॉर्ड में शामिल किया। तो जहाँ भी आप रहते होंगे वहीं पर 10 बजे वृक्षारोपण प्रतिदिवस करते हैं? नहीं, हम लोग या फिर जबलपुर पे ही ऐसा? हम लोग जबलपुर में तो रोज करते हैं, तो यहाँ पर एक जगह निर्धारित करते हैं, यहाँ पे 15 दिन 20 दिन शेड्यूल होता है, क्योंकि उस प्रीमाइसिस में कितने पौधे लग सकते हैं। लेकिन हमारा 13 अन्य शहरों में भी चल रहा है पौधारोपण कदम संस्था, तो कदम संस्था वहाँ पर भी पौधारोपण भी करती है, बीजारोपण भी होता है और वृक्षारोपण भी हमारा होता है, तो वहाँ भी 10 बजे होता है, लेकिन वो वीकली होता है, जो 10 बजे होता है, लेकिन वो भी ऐसे सुरक्षित प्रीमाइसिस को ही देखते हैं, ताकि एक्चुअली क्या है इससे यादें जुड़ती हैं, जिनका जन्मदिन होता है वो पौधा लगाता है तो उसको लगता है कि हमारा पौधा सुरक्षित रहना चाहिए, हमारी कोशिश पूरी रहती है इसका पौधा सुरक्षित। और जो ये पौधे होते हैं तो इसकी नर्सरी आपकी संस्था के द्वारा स्वयं उगाई जाती है या फिर जो तो इनको कहीं से लाया जाता है, जो आपका बीज अंकुरण अभियान है वही पौधे लगाए जाते हैं? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न था, मतलब मुझे लगा मैं भूल जाता हूँ कई बार इस बात को बताने के लिए कि हमारे शहर में कस्तूरी में ये प्रचार प्रसार ना समझे कि कस्तूरी नर्सरी का, लेकिन अच्छाई का प्रचार प्रसार होना चाहिए। कस्तूरी नर्सरी के राज कावरा साहब हैं,
वो हमारे फंक्शन में 500वें पौधे में आए थे जी। जब 500 दिन का फंक्शन हमने किया था, बड़ा फंक्शन किया था आपका टैगोर गार्डन में, तो वो श्रोता और दर्शक की हैसियत से आए थे कि देखने, क्योंकि वो नर्सरी से जुड़े थे। और उन्होंने देखा, तो जब उन्होंने मेरी स्पीच सुनी, जब मैंने कहा कि देखिए मैं इस विषय का बिल्कुल भी विशेषज्ञ नहीं हूँ, पौधों के बारे में आप मुझे विशेषज्ञ मत समझिए, ये बात उनको अपील कर गई। कोई व्यक्ति सार्वजनिक मन से इतनी ईमानदारी से अपनी बात रखता है। उन्होंने 501वें पौधे से मुझे पत्र लिखा और कहा कि मैं 501वें पौधे से उनकी वर्डिंग सुनी सरा। उन्होंने कहा कि मैं 501वें पौधे से रोज रोपा जाऊं, ऐसा मैं महसूस करना चाहता हूं, और इसके लिए मैं हर दिन का जो पौधा वो मैं। तो उन्होंने उस दिन से हर, बोले मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित तो नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मेरा दिया हुआ पौधा लगेगा तो मेरे को लगेगा मैं ही वहाँ पर रोपा जा रहा हूँ। तो उन्होंने तब से हमको, आज तक, आज 67वां दिन है, रोज हमें एक पौधा, आप अप्रोक्सीमेट में समझता हूँ उनका एक पौधा 40 से 50 रुपये की कीमत का होता है। आप अंदाज लगा लीजिए कि 6200 दिन से वो पौधा। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी बात है कि मैं 501वें पौधे से प्रतिदिन रोपा जाऊं, जो धारणा है, ये धारणा जो है तो बड़ी ही अद्भुत है। अद्भुत है, इसलिए अच्छा हुआ आपने प्रश्न मुझसे पूछा। और कहीं ना कहीं जो पौधे आपके द्वारा रोपे जाते हैं, तो वो किस प्रकार के पौधे होते हैं, उनमें कौन कौन से पौधे शामिल आप? जो हमारे द्वारा लगाए जाते हैं वो वृक्ष बने जिनकी लंबी आयु हो। शुरू शुरू में जैसे हमने पुत्रंजी भी बहुत लगाए थे, अभी तो हमारा एक बहुत बड़ा अभियान भी चल रहा है, गांव शहर जमीन से जग गए। इस तरह के पौधे लगाए जाते हैं जो वृक्ष बनते हैं, कदम के होते हैं, पुत्रंजी जैसे मैंने आपको बताया, गरंज के होते हैं, तो काफ़ी इस तरह से पौधे होते हैं, वेराइटी होती है उसमें। लेकिन हम ऐसा पौधा नहीं लगाते जिसकी उम्र कम हो, बड़ा पौधे लगाते हैं, वृक्ष बने जैसे पौधे लगाते। और इसके अलावा आपने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की बात की, इसके अतिरिक्त किस तरीके से सरकारी सहायता आपकी संस्था को किया जा रहा है, या सरकारी स्तर पर क्या सम्मान दिए गए हैं, इस बारे में थोड़ा? सरकारी सहायता हमने आर्थिक रूप से कभी नहीं लिया 28 वर्ष में, लेकिन हमें कुछ सहयोग इस तरह से मिलते हैं, जैसे अभी जिला कलेक्टर साहब के तो बड़े, उन्होंने काफी सहयोग हमको किया, जो हमारे 1 लाख वृक्ष लग रहे थे, हमें पानी की व्यवस्था कराया, पोर करवाया, इस तरह से काफी सहयोग, ये हम काइंड में थोड़ा बहुत सहयोग हमने सरकार से, जब भी कोई प्रशासन से ऐसा कुछ हुआ है उन्होंने हमको करा है, तो काइंड में जरूर थोड़ा बहुत, कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सहयोग हमने लिए है। बाकी हमारे सभी सदस्य मिलकर खुद ही सारा कुछ करते हैं, फंड लेते हैं, तो हम लोगों के पास जाते हैं, जैसे अब 1 लाख नीम के वृक्ष लगाने, एक पौधा 100 रुपये करीब खर्च आता था, तो उस हिसाब से वो 1 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, तो कोई हमको 10 पौधे का देता, कोई 100 पौधे का देता, कोई 1000 पौधे के भी हमने दिए। लारी हॉस्पिटल है यहाँ पर, उन्होंने 1000 पौधे हमको मेडिकल कॉलेज में लगाने के लिए 1 लाख रुपए की राशि दी कि आप लगाइए। नेविन साहब हैं जो जॉयर सेकेंडरी के, उन्होंने 1 लाख रुपए की राशि हमको दी। कैलाश गुप्ता जी ने 1 लाख रुपए की राशि दी। इसी तरह से 50,000 रुपए की राशि हमको जैन साहब, जो पूना में रहते हैं हमारे, संजय जैन, उन्होंने दी। ये लोग हैं समाज में जो अच्छा आप करिए, हम जैसा कि मैंने कहा आपसे, तो लोग सही होते हैं। और एक प्रश्न जरूर मेरे मन में आ रहा है कि जैसे अक्सर मीडिया की खबरों में, समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं कि 500 पौधे रोपे गए, 1000 पौधे रोपे गए, या 5 लाख पौधों का वृक्षारोपण किया जा रहा है, तो आपके मन में इतनी समय से लगातार निरंतरता के साथ ये कार्य कर रहे हैं, कभी मन में ऐसा आया नहीं कि हम भी इन पौधों की गिनती शुरू कर दें, या जो है तो हम भी ऐसा बताएं कि इतने लाख पौधे हमने रोप दिए, इतने दिनों से हम लगा रहे हैं, कभी ऐसा मन में ख्याल नहीं आया? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आदमी धीरे धीरे, क्योंकि आपका प्रकल्प कंटिन्यू हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ आपके जीवन तक बल्कि आपके जीवन उपरांत भी ये अनवरत प्रकल्प चलता रहे, तो कभी मन में ऐसा ख्याल नहीं आता है कि हम भी संख्या बताएं, हम भी थोड़ा सा एक महामानवतावादी श्रेणी में जाने की कोशिश करें? बिल्कुल, जीवन में मुझे ऐसे कभी नहीं आया, और मैंने हमेशा ही ये मैंने सोचा है हमेशा ये